शायद यही वो जगह है जहां मुझे जरगाम मिल सकता है। खुद मौत का सामना करने नहीं आना चाहिए था। तुझे बहुतों ने बताया होगा कि तू उस खुदा का चुना हुआ मसीहा है, लेकिन तुझे किसी ने यह नहीं बताया कि वो खुदाई भी मुझसे खौफ खाती है। मैं इंसान नहीं, शैतान हूं, शैतान। सामने आओ, जाहिर करो अपने आप को, कौन हो तुम? तेरी मौत हूं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन सरगम हूं मैं। छाया हुआ जाल है, उसने जानबूझकर हमें अलग रास्ते भेजा था और अंदर घुसते मुझे इसका इंतजार था। ये लड़की तेरी सबसे बड़ी उम्मीद है ना? आज तुझसे पहले तेरी इस उम्मीद को ही खत्म कर देता हूं। उसे नुकसान पहुंचाने की जरूरत मत करना। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। समझ में नहीं आता है कि तू हिम्मत वाला है कि बेवकूफ, जो इस तरह सरगम का सामना करने चला है। अगर यही तेरी आखिरी इच्छा है तो यही सही। Thank you.
देवी ने तो कहा था कि उन सातों मुश्किल रूहानी सवालों के जवाब पाने पर ही वो ताकत मिलेगी जिससे कि मैं इसे खत्म कर पाऊंगा। नहीं, कैसे कर पाया? या तो वो सच था या ये सच है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये आपको आपकी अधूरी ख्वाहिशों के साथ जोड़ देगा। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तुम्हारे सीने में धधकती आग की ख्वाहिश है ज़रगाम की मौत।
जगह है ये? कब से सो रहा हूं मैं? कासिम, सब एक फरेब है, एक जाल। लेकिन ये जाल बिछाया किसने? ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये आपको आपकी अधूरी ख्वाहिशों के साथ जोड़ देगा। आइए। अगर ये सब झूठ और फरेब था तो फिर परिजात और कासिम कहां है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे सपनों की इस दुनिया से। आज तक कोई भी बचकर बाहर नहीं निकला। वाह हातिम, वाह, तुम्हें कुछ तो खास बात जरूर है। लेकिन मेरे सपनों की इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम कभी सोच नहीं सकते। भले ही तुम अपने सपने पे काबू पा गए हो, लेकिन तुम्हारी दो कमजोर नब्ज अब भी मेरे हाथ में हैं। हातिम, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। हाँ।
फरीजा, फरीजा, फरीजा। जैसा दिखाई दे रहा है। यही हमारा करिश्माई शहर है। यहाँ हर इंसान की उम्मीद पूरी होती है। एक बार यहाँ कोई आ जाता है, यहीं का हो जाता है। जैसे मैं। इसका मतलब रुमताल भी हमारी ही तरह अपनी ख्वाहिशें पूरी करने आया था, और अभी तक अपने सपने में कहते। यहां हो क्या रहा है रुमताल? रुमताल, रुमताल उठो, उठो रुमताल, 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 रुमताल उठो, रुमताल, रुमताल उठो, रुमताल, रुमताल उठो, रुमताल। से जो मैंने अभी देखा, वो शायद रुमताल के सपने का एक हिस्सा था। इसके कड़े से अगर मैं अपने कड़े को जोड़ूं, तो शायद इसके सपने में दाखिल हो सकूं और इसे बाहर निकाल सकूं। कैसे हो हातिम? सरगम का खात्मा करके कैसा लगा? रुमताल, मैंने सरगम को मारा ही नहीं, क्योंकि ये सब जो हम देख रहे हैं इसमें कुछ भी सच नहीं, ये सब एक सपना है। सपना है। मगर लगता अपना एकदम सच है ना? बस जब आंख खुलती है तो बहुत अजीब सा लगता है। इसका मतलब ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है।
तुम ही हो जिसने परिजाद और कासिम को काबू में किया। ये सब लोगों को तुमने गुलाम बनाया। काश काश इस तारीफ के हकदार हम होते, पर नहीं नहीं, वो सब तो अपने सपनों की वजह से यहां पर आए हैं। हम तो सिर्फ इनके सपनों को, इनके ख्वाबों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं हम उस अजीम जादूगर की जिसने ये अजीम कारनामा रचा है, जिनकी वजह से हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। क्यों कहिए, हम एक छोटे से प्यादे हैं इस बहुत बड़े कारनामे के। पर क्यों, सब कुछ जानते हुए भी तुम खुद अपनी मर्जी से कैसे इस नकली जादुई दुनिया में रह सकते हो? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। असली दुनिया में तो सभी लोग सपने देखते हैं, मगर है किसी में काबिलियत वो सपने पूरे कर सके? यहां ऐसा कुछ नहीं, या हम कुछ भी पा सकते हैं। ये शहर हमें सब कुछ देता है। जानते हैं तुम हमारे सपनों को तोड़ना चाहते हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर रोक के दिखाओ मुझे। को नुकसान पहुंचाओगे। हो जाओ हातिम, ये दुनिया भले ही नकली हो, यहां मिलने वाली मौत असली होती है। खत्म हातिम।
सपने में रहते तो अपनी जीत का सपना देखते हुए मर सकते थे, मगर अफसोस तुम जैसे लोग खुशनुमा जिंदगी जीना ही नहीं जानते। मगर घबराइए नहीं, तुम्हारी इस तकलीफ भरी जिंदगी से जल्द ही तुम्हें निजात दे देंगे। कुछ नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? कौन है वो जादूगर जिसकी तुम अपने सपने में बात कर रहे थे? रकबान, ये वही है जिसकी वजह से इस जगह को रकबान का नाम दिया गया है। उसे की ताकत से यह शहर चलता है। यकीनन तुम्हारे दोस्तों को उसी ने उन्हीं के सपनों में कैद कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहां मिलेगा यह जादूगर? उसे मारना आसान नहीं है। अगर उसे मार भी दिया तब भी तुम्हारे दोस्त आजाद नहीं हो पाएंगे जब तक ये सपनों की दुनिया टूटती नहीं है। तो फिर पहले मैं ये सपनों की दुनिया को ही तोड़ूंगा। क्या है रास्ता इस तिलिस्म को तोड़ने का? सफेद मोती। आपको सफेद मोती को हासिल करना होगा और फिर काली मीनार की ऊर्जा के तालाब में उसे डालना है। कहां मिलेगा ये सफेद मोती? वो मोती आपको मीना रुमथाल, रुमथाल बोलो, रुमथाल, हाँ रुमथाल बोलो, रुमथाल रुमथाल।
दुनिया को खत्म करने का तरीका भले ही जान लिया हो हातिम, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें सपनों के कई पर्दों से टकराना होगा। एक ही जगह पे आ रहा हूं, कैसी जगह है ये? हातिम, कासिम, हातिम तुम कहां थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे? जल्दी करो हातिम, परिजात भी इस मीनार में कैद है, हमें उसे बचाना होगा। जल्दी करो हातिम, चलो। रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया? हातिम, क्या हुआ? रुक क्यों गए? जल्दी करो हातिम, हमें परिजात की जान बचानी है। हातिम, चलो। ये क्या कर रहे हो? हम काशी में तुम्हारे दोस्त,
नहीं हातिम, उसे मार भी दिया तब भी तुम्हारे दोस्त आजाद नहीं हो पाएंगे जब तक ये सपनों की दुनिया टूटती नहीं है। आपको सफेद मोती को हासिल करना होगा और फिर काली मीनार की ऊर्जा के तालाब में उसे डालना है। ढूंढ लिया मैंने रखबान की मौत का रास्ता। अब जल्द ही परिजात कासिम और वो सारे बेगुनाह बाशिंदे इस सपने की दुनिया से आजाद हो जाएंगे। दुनिया है हातिम, तुम इस मोती तक तो पहुंच चुके हो लेकिन इसे हासिल तब कर पाओगे जब तुम जिंदा रहोगे।